अंडमान निकोबार कमान ने वीएसआई हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल की। अंडमान निकोबार कमांड ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर घायलों की निकासी सहित हवाई दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन सेवाओं की तैयारी का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। सामूहिक प्रतिक्रिया क्षमताओं का समग्र रूप से अभ्यास करने के लिए ड्रिल में विभिन्न हितधारक शामिल हुए। INS उत्कोष द्वारा संबंधित इस अभ्यास में अंडमान और निकोबार कमांड की चिकित्सा इकाइयां, संबंधित सरकारी एजेंसियां जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जीवी पंत अस्पताल, पिलर अस्पताल, सिविल पुलिस, CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरलाइन शामिल थे। मॉक ड्रिल की शुरुआत एक काल्पनिक विमान दुर्घटना से हुई। INS उत्कोष की सुरक्षा सेवा टीम ने तेजी से जहाज पर लगी आग पर काबू पाया, हताहतों की निकासी और आवश्यक दुर्घटना एवं बचाव अभियान शुरू किया। इस बीच INS उत्कोष ने चिकित्सा विभाग में घायल यात्रियों का उपचार किया। जीवित बचे लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा और पुनर्जीवन प्रदान किया। कुल 13 एम्बुलेंस, 6 सशस्त्र बलों से 8 नागरिक स्रोतों से तुरंत नकली दुर्घटना स्थल पर पहुंची। अस्पतालों में जीवी पंत, INHS धन्वंतरी और स्तंभ ने 32 नकली हताहतों की फिर से जांच की। संकट विस्तार वार्ड स्थापित किए और सर्जिकल टीमों को इकट्ठा किया। ऑपरेशन थिएटर और आपदा प्रबंधन स्टोर की तैयारी का आकलन किया गया। अंडमान निकोबार कमान और नागरिक प्रशासन के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने एजेंसियों के बीच तालमेल का प्रदर्शन करते हुए ड्रिल की निगरानी की। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।